श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की तीसरे दिन की श्री राम शिव महापुराण कथा चल रही थी। और दोस्तों, आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, साथ ही में वसंत पंचमी भी आने वाली है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का पाँचवा दिन मतलब पंचमी तिथि ही वसंत पंचमी के दिन पड़ रही है, मतलब 26 जनवरी 2023 को। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को वसंत पंचमी के बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं, साथ ही में गुप्त नवरात्रि का पाँचवा दिन मतलब वसंत पंचमी के दिन का ही एक बहुत ही विशेष उपाय, जिस उपाय को करने से अगर किसी बच्चा बच्ची का विवाह नहीं हो रहा होगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वसंत पंचमी के विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो बच्चों के लिए ही है, मतलब वसंत पंचमी का जो दिन होता है वो माता सरस्वती जी का होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जितने भी बच्चे हैं जो कि अपने जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं अभी, मतलब अध्ययन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को जो है वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की जो है यहाँ पर आराधना करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको उनकी सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि वसंत पंचमी का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर बच्चे चाहें तो माता सरस्वती जी को प्रसन्न करके अपने दिमाग की, अपने विवेक की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगर वो पढ़ने में अच्छे नहीं होंगे तो वो पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक दिन बहुत ही विशेष होता है वसंत पंचमी का दिन, और इस पूरे दिन आप लोगों को जो है माता सरस्वती जी की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उपाय की। दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा बच्चा है, या कॉलेज में भी अगर कोई बच्चा है उसका दिमाग सही नहीं चल पाता है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका दिमाग कहीं भी भटक रहा है, तो दोस्तों आपको करना क्या है कि वसंत पंचमी के दिन 31 सरसों के फूल लेने। सरसों के फूल कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे खेतों पर। ठीक है, सरसों के फूल होते क्या हैं, जो राई होती है ना, राई का ये पेड़ होता है, जब राई का पेड़ होता है तो उसमें जो है सरसों के फूल लगते हैं। ठीक है, वही सरसों होती है। तो आपको क्या करना है कि किसी भी खेत में जाकर जहाँ पर सरसों लगी हुई हो वहाँ से पूरे एक मतलब पेड़ उखाड़ के ले आना है। ठीक है, और घर आकर आपको क्या करना है कि 31 सरसों के फूल उसमें से तोड़कर गिन लेने हैं। कितने, 31 है ना, 31 सरसों के फूल गिनने के बाद आपको क्या करना है कि इन 31 सरसों के फूलों को गिनकर आपको शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह वसंत पंचमी के दिन। ठीक है, शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको अपने बच्चे को साथ में लेकर जाना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे से ही इस उपाय करवाना है जिसका विवेक, जिसका दिमाग आपको तेज़ करवाना हो। ठीक है, तो उसके हाथ में आपको 31 सरसों के फूल दे देने हैं, इकट्ठे करके आप पहले से रख लीजिएगा, उसके हाथ में दे दीजिए। देने के बाद उसके हाथों से ही आप बोल दीजिए कि वह शिव जी पर चढ़ा दे। वह शिव जी पर चढ़ाकर वहीं पर हाथ जोड़कर विनती कर लो कि हमारे जो दिमाग की शक्ति है वो बढ़ जाए, हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो वो मतलब हमें याद ने लग जाए, और आप जो है भगवान शिव जी से आशीर्वाद ले लो, माता सरस्वती जी से आशीर्वाद ले लो। निश्चित ही आपको जो बच्चा होगा वो अच्छे से पढ़ने लग जाएगा। अगर आपका बच्चा जो है आपकी बात नहीं मानता होगा तो वो भी मानने लग जाएगा, बिना कहे पढ़ने बैठ जाएगा, ऐसे इस उपाय में शक्ति है। तो ज़रूर करके देखिए, 31 सरसों के फूल अपने बच्चे के हाथों से शिव जी पर ज़रूर चढ़वा कर देखिए। अब दोस्तों, अगले उपाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला उपाय बहुत ही विशेष है, ये भी वसंत पंचमी के दिन का है। दोस्तों, वसंत पंचमी के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके सभी काम सफल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी जॉब नहीं लग रही होगी, आपकी नौकरी नहीं लग रही होगी, या आपका कोई टेंडर होगा जो कि पास नहीं हो पा रहा होगा, सभी तरह की जो आपकी समस्या है जिनमें आपको सफलता चाहिए, तो वसंत पंचमी के दिन बस आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। इस उपाय में भी आपको सरसों के फूलों की आवश्यकता होगी, क्योंकि वसंत पंचमी का जो दिन होता है इस दिन के फूलों की विशेष महत्वता होती है। ठीक है, भले ही आप कुछ करो या मत करो, पर वसंत पंचमी के दिन शिव जी पर जो है एक सरसों का फूल तो जरूर चढ़ाना ही चाहिए। ठीक है, तो उपाय में आपको क्या करना है कि सरसों का जो है फूल लेना, कितने लोगे, 108 सरसों के फूल तोड़कर गिनकर रख लेना, 108 सरसों के फूल, और 108 सरसों के फूल गिनकर ले जाकर शिव जी के मंदिर में एक एक सरसों का फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको क्या करना है कि एक एक सरसों का फूल आपको जो है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, देखिए, ये जो आप 108 सरसों के फूल समर्पित करेंगे, इस समय आपको अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करना है। अगर आप अपने काम की सफलता के लिए उपाय कर रहे हैं वसंत पंचमी के दिन, तो 108 सरसों के फूल आपको जो है अवधूतेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए 108 एक एक करके पूरे सरसों के फूल समर्पित कर देने हैं। आपका जो भी काम होगा वो सफल हो जाएगा, भगवान से विनती कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही विशेष उपाय है, और ये उपाय ऐसे बार बार ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं, ये बहुत ही विशेष मौका है, और वसंत पंचमी साल में एक बार आती है, इस दिन को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही विशेष ये उपाय है, आप सभी लोग ये भी बात जानते ही होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन आपका कोई बड़ी रोग बीमारी है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो उस स्थान पर भी आपको क्या करना चाहिए कि सरसों के फूल ले जाकर शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। ठीक है, वसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। वैसे तो आप किसी भी दिन
शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, मतलब सरसों के फूल। पर जो सरसों के फूल वसंत पंचमी के दिन आप शिव जी पर चढ़ा रहे हैं उसका एक अलग ही महत्व है। जो किसी काम के लिए मतलब साधारण जो है आप लोग अगर चढ़ाना चाहते हो सरसों का फूल, तो बस एक सरसों का फूल आप चाहें तो अपनी मनोकामना या अपनी बुद्धि विवेक की एक मनोकामना लेकर शिव जी पर जाकर चढ़ा कर आइए, भगवान से विनती कर आइए। भगवान आपको इतना कुछ देंगे, इतना बल प्रदान करेंगे, इतनी बुद्धि प्रदान करेंगे जितनी आपने कल्पना नहीं करी होगी, ठीक है। क्योंकि इस दिन ये जो दिन होता है ये सरसों के फूल का इस दिन बहुत विशेष महत्व होता है, ठीक है। और वसंत पंचमी का दिन तो माता सरस्वती जी का होता ही है, और माता सरस्वती जी की पूजा आराधना इस दिन सभी को करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को दिमाग तो उन्होंने दिया ना, बल तो उन्होंने दिया ना, विवेक तो उन्होंने दिया ना, सोचने समझने की शक्ति तो माता सरस्वती जी ने ही दी है ना। तो इसलिए वसंत पंचमी के दिन जो जो ये वीडियो देख रहा है आप उनकी आराधना ज़रूर करें, उनको सफ़ेद मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं, सफ़ेद फूल उन्हें समर्पित करें, क्योंकि जो मतलब माता सरस्वती होती है उन्हें सफ़ेद चीज़ों का जो है यहाँ पर भोग लगाया जाता है, सफ़ेद चीज़ें जो है यहाँ पर समर्पित होती हैं, ठीक है। और दोस्तों इस दिन आप लोगों को क्या करना है कि वसंत पंचमी के दिन एक लोटा, एक तांबे के लोटा जल भरकर आपको सूर्य को अर्घ्य ज़रूर देना है, ठीक है। सूर्य को अर्घ्य अगर आप लोग इस विशेष दिन पर देंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद में दोस्तों एक लोटा जल भरकर आपको शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी पर भी एक लोटा जल चढ़ा कर आइएगा, क्योंकि वसंत पंचमी का जो दिन है ना वो बहुत ही खास है। आप किसी भी भगवान की सेवा करो आपको फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वसंत पंचमी का दिन ही ऐसा है, तो आपको जो है ये शिव जी पर पूरा चढ़ा देना है, ठीक है। शिव जी पर चढ़ाने के बाद अगर आप चाहें तो इस दिन एक कामना करते एक बेलपत्र अपने हाथ में रखिएगा, नहीं है तो शिवजी पर से उठाकर ही उसे धोकर आप वापस शिवजी पर चढ़ाकर अपनी मनोकामना को बोलते हुए आप एक बेलपत्र शिवजी पर चढ़ा दीजिए, निश्चित ही जो आपकी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस दिन जो है शिवजी पर 5 जगह जल चढ़ा सकते हैं, 5 जगह जल चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना भी भगवान शिवजी से बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप शिवजी के मंदिर जाएंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो आपको करना क्या है कि 5 स्थानों पर जल चढ़ाना है। कैसे कैसे चढ़ाओगे वो आप लोग सुनो। सबसे पहले आपको जो है अपना लोटा का जल गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, जो कि जलाधारी के राइट भाग में होता है। तो आपको आपने पहले गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दिया, दूसरा स्थान है कार्तिकेय जी का जो कि जलाधारी के लेफ्ट भाग में होता है, तो वहाँ पर आपने चढ़ा दिया। तीसरा स्थान है जो अशोकशुंडी का स्थान है, मतलब जलाधारी के बीचों बीच का, वहाँ पर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया। फिर आपको करना है जो कटी भाग होता है, मतलब जहाँ पर जलाधारी पर शिवलिंग रखा हुआ था गोल गोल जो कटी भाग होता है, उस स्थान पर आपको जो है थोड़ा सा जल चढ़ाना है। फिर जो आपके पास जितना जल बचा हुआ होगा वो पूरा आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 जगह जल चढ़ाकर अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल सकते हैं, ठीक है। निश्चित ही आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है, ज़रूर करके देखें। अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें जो कि आपको वसंत पंचमी के दिन करना है, तो आप लोग सरसों के फूल तो ज़रूर चढ़ाइएगा। ये उपाय अगर आपको मन में आए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि एक बेलपत्री लेना है, और एक बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर क्या करना है, पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन लगाने के बाद जो बेलपत्री होती है उसकी 3 पत्तियां होती हैं, और तीनों पत्तियों की डंडी एक जगह आकर मिलती है, मतलब मध्यस्थ जोड़। उस मध्यस्थ जोड़ पर थोड़ा सा शहद लगाकर आपको इस बेलपत्र को वसंत पंचमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना भगवान जी से हाथ जोड़कर विनती कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों वसंत पंचमी के दिन शाम के समय आपको प्रदोष काल में किसी भी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने ज़रूर जाना है, ठीक है। कोशिश करना कि आप लोग ज़रूर जाओ। उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहें तो इसी दिन शाम के समय प्रदोष काल में 3 जगह दीपक लगा सकते हैं, जिन 3 जगहों पर दीपक लगाने से आपको बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहला तो बेलपत्री के वृक्ष नीचे, दूसरा पीपल के वृक्ष नीचे, तीसरा आंवले के वृक्ष नीचे। तीनों के नीचे गोलपाती का दीपक लगेगा, घी का दीपक लगेगा, ठीक है। आप बस लगाकर तो देखिए, आपको मनोकामना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इस काम को करने के लिए, इस उपाय करने के लिए कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव खुद ब खुद आपको इतना देंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना कुछ आपके पास आ चुका है, ठीक है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि वसंत पंचमी के दिन अगर आप करते हैं तो बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर आपको प्राप्ति होगी। और ये दिन बार बार नहीं आता है, साल में सिर्फ एक बार आता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियों के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई है। तो दोस्तों सबसे पहले पंडित जी ने बताया है कि मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर होता है। देखिए मुक्ति क्या होती है कि आप मर गए और आपको मुक्ति मिल गई, मतलब आपने दूसरा जन्म ले लिया है ना। मुक्ति क्या होती है कि जब आप मर गए और मरने के बाद आपको दूसरा जन्म मिल गया, मतलब आपकी मुक्ति हो गई। पर मोक्ष क्या होता है कि भाई कोई किसी व्यक्ति को अगर मोक्ष मिला हुआ है तो उस व्यक्ति ने भगवान जी का बहुत भजन किया है, भगवान शिव का बहुत भजन किया, और इतना भजन किया है कि अब उसे दूसरा जन्म नहीं मिल रहा है, मतलब पुनरपि मनरम पुनरपि
यहाँ पर ऐसी बात होती है ना कि बार बार जीते हैं और बार बार मरते हैं, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर मुक्ति हो जाती है कि मुक्ति हो गई तो भाई ये वापस से जन्म ले लेगा, पर मोक्ष हो गया तो ये वापस से जन्म नहीं लेगा। मतलब जिसको मुक्ति मिल जाती है वो दूसरा जन्म ले लेता है, और जिसको मोक्ष मिलता है वो दूसरा जन्म नहीं लेता है, और जिसको मोक्ष मिलता है वो अच्छा होता है क्योंकि वो वापस से इस धरती लोक पर नहीं आता है बार बार मरने और बार बार जीने के लिए। जिसको मोक्ष मिल जाता है वो अच्छा होता है, और मोक्ष किसको मिलता है, जो अपने जीवन में ज़्यादातर भगवान जी का भजन करता है, भगवान को प्रसन्न कर लेता है भजन कर करके, उसी को भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत ही यहाँ पर आज की कथा में विशेष बात बताई है, ये बात आप लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए। भगवान शिव जो है ना वो ऊपर से बहुत कठोर आप लोगों को दिखते होंगे, पर उनके नाम के अनुसार अंदर से वो वैसे ही है, मतलब भोले बाबा, ठीक है। तो ऊपर से वो आपको कठोर दिखते हैं, गुस्से वाले दिखते हैं, पर अंदर से वो बिल्कुल नरम है। वो आप लोगों के लिए सब कुछ सह सकते हैं, हमारे लिए वो विष पी सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या कि जो है मतलब भगवान भोलेनाथ जो है वो कठोर ऊपर से हैं, अंदर से पूरे नम्र हैं, है ना। उसके बाद में दोस्तों उदाहरण के लिए ये बात बताई गई है कि जो नारियल होता है, नारियल का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बहुत कठोर होता है, ठीक है, पर अंदर का जो हिस्सा होता है वो बहुत नरम होता है, अंदर पानी भी भरा हुआ होता है, वो बहुत नम्र होता है। और दोस्तों पंडित जी ने आज ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि ये जो नारियल होता है ना ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये जो नारियल है ना ये भगवान शिव जी का ही एक स्वरूप होता है। आप मंदिर जाओगे तो आपको नारियल लगेगा, किसी भी चीज़ में अगर आपको जो है नारियल लगता है तो आप समझ लो कि वहाँ पर भगवान शिव आपके साथ है। आप मंदिर जाओगे तो नारियल लेकर जाओगे, कोई शुभ काम करोगे तो नारियल लेकर जाओगे, और अंतिम समय में भी कहीं ना कहीं आपको नारियल ज़रूर लगता है। तो इसका मतलब है क्या कि जो नारियल है ना इसकी भी तीन आँखें होती हैं, कभी आप ध्यान से देखना, भगवान भोलेनाथ की भी तीन आँखें होती हैं। तो ये जो नारियल है ना ये भगवान शिव का स्वरूप है, और ये आपके साथ हमेशा रहता है, और ये हमेशा रहता है मतलब कि होता क्या है कि भगवान शिव भी आपके साथ हमेशा रहते हैं, और जो नारियल के ऊपर जटाएं रहती हैं वो भगवान भोलेनाथ के जैसे बाल होते हैं, ठीक है। तो पंडित जी ने आज इस बात को समझाते हुए नारियल और भगवान शिव जी में ये सारी बातें बताई हैं। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जो कछुआ होता है, मतलब कछुओं की जो कछुई होती है वो अंडा देती है रेत पर, और दोस्तों दूसरी बार उसे वापस देखने के लिए नहीं जाती है। मतलब कछुआ पानी में रहता है पर वो अंडे रेत पर देता है और वापस चला जाता है, दूसरी बार उस अंडे के पास नहीं आता है। वो क्या करता है कि वो पानी में बैठा बैठा ही यहाँ पर स्मरण करता रहता है, उसका अंडा पककर जो है बाहर आ जाता है, वो बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पंडित जी ने ये समझाया कि वो अंदर बैठकर स्मरण करकर वो अपने बच्चे का ध्यान रख लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी आपके पास ही हैं, बस आपको भगवान के नाम का जाप करते रहना है, जिससे कि भगवान तक आपकी जो है वो नाम जाप पहुंचता रहे, भगवान का आशीर्वाद भी आप पर बना रहे। तो ऐसी कुछ बातें जो है पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताई हैं। तो यही सब कुछ बातें उपाय जो है पंडित जी ने अपनी कथा में बताया। आपको कौन सा उपाय अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपने आज की कथा से क्या सीखा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।